इंस्टाग्राम अकाउंट आप लॉगिन करते हो और उसका स्टेटस आप चेक करते हो तो आपके सामने आ जाता है अवॉइड लूजिंग एक्सेस टू योर अकाउंट इन द फ्यूचर व्हाट हैज बीन रिमूव्ड। नीचे एक ऑप्शन मिलता है ये क्या है और इसे कैसे आपने ठीक करना है ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो बहुत ही सिंपल है गाइज, कॉल मी फॉर ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में ये अवेलेबल है, वहां से आप इसे इंस्टॉल करो और फिर मेरी आईडी ट्रिकी अजीम उसमें सर्च करोगे तो टॉप पर आ जाएगी और इस पर आप क्लिक करके मुझसे ऑडियो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली फुर्सत में निकल, गजब बेइज्जती है। दोस्तों अगर आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ इस तरीके का स्ट्राइक आया हुआ है, योर स्टोरी वाज रिमूव्ड और नीचे आवर गाइडलाइंस वगैरह लिखा हुआ है कि किन वजहों से इनका स्टोरी वीडियो या फिर आपका कोई भी कंटेंट है रिमूव हो जाता है तो आप पर क्या क्या इफेक्ट आ सकता है और उसे आप कैसे रिक्वेस्ट के लिए डाल सकते हो, कैसे उस स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नीचे एक रिक्वेस्ट ए रिव्यू का ऑप्शन मिल रहा था और इन्होंने ऑलरेडी रिव्यू के लिए डाल रखा है, 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये स्ट्राइक जो है इनके अकाउंट से नहीं हटा है, जिसकी वजह से ये रील्स बोनस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो ये रील्स बोनस यूज़ कर पा रहे हैं और ना ही भाई साहब ये ब्रांडेड कंटेंट यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, जो मुझे लगा इनकी स्टोरी रिमूव होने का कारण ये वाला जो फोटो है, जी हाँ गाइस, इसी फोटो की वजह से हो सकता है कि इनके इस स्टोरी पे न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट का गाइडलाइंस वाला जो स्ट्राइक था वो इंस्टाग्राम ने इसे मार दिया और इनको पता ही नहीं चला और जिसकी वजह से ये रील्स बोनस वगैरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखो अगर आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ इस तरीके का कंटेंट वगैरह है पहले से तो भाई उसे डिलीट कर दो और आगे से उसे अपलोड मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम अब अपनी पॉलिसी बहुत ही टाइट कर रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि वो अब आपको तो पैसे भी दे रहा है ना, तो पैसे दे रहा है तो वो तो चाहेगा कि इंस्टाग्राम पर आप साफ सुथरे कंटेंट हो, तो इस तरीके के कंटेंट वगैरह मत डालना। लेकिन अगर आपके चैनल पर आपके इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी आ चुका है इस तरीके का स्ट्राइक तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे इसके लिए अपील कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो यार वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर देखो अकाउंट स्टेटस पर आएंगे और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रिव्यू मिलता है, ये तो पहला स्टेप है, जब भी कोई स्ट्राइक आएगा इंस्टाग्राम की तरफ से वहीं पर आपको रिव्यू के लिए भी दे देगा तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली रिव्यू के लिए कर सकते हो। ये तो पहली चीज़ है और बेसिक सी चीज़ है जो आपने करना है और हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन अब देखो ये दूसरा स्टेप ये है, ब्राउजर सेटिंग में आना है, आपको अकाउंट्स में ही ब्राउजर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद आपको क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, ब्राउजिंग क्लियर डेटा आपने कर देना है और ब्राउजर डेटा आपका क्लियर होगा, बेसिकली यहाँ से आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपने जो भी फोटो वगैरह पोस्ट करके रखा होगा वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ कॉल लॉग्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं वो सिर्फ डिलीट होता है, ये दूसरी चीज़ यहाँ पे करनी है आपने। इसके बाद तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है सपोर्ट रिक्वेस्ट वाला, अगर आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट वगैरह डाल रखा होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स एंड वॉयलेशन का, तो आपका वॉयलेशन का था तो यहाँ पर वॉयलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले से ही आपने करके रखा है रिव्यू के लिए तो, और यहाँ पर इंस्टाग्राम ने इन्हें रिप्लाई किया है कि भाई हमने मैन्युअली चेक कर लिया है, लेकिन हमने मैन्युअली चेक किया और अब हमें ये भी पता चल गया है कि आपने हमारी पॉलिसी को वॉयलेट किया है, तो जिस वजह से हम आपके अकाउंट पर से स्ट्राइक रिमूव नहीं कर सकते, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से बैक आ जाओ। अब यहाँ पर हेल्प सेंटर वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर क्लिक करना, सॉरी रिपोर्ट या प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, जैसे ही आप रिपोर्ट या प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने पहले अटैचमेंट लगानी है, वो स्टोरी रिमूव्ड वाला जो आपके पास आया था वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे लगा देना और यहाँ पर जो आपने टाइप करनी है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि जो भी मैंने लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने लिखा है ना आप इससे बेटर अगर लिख सकते हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख लेना, और ज़रूरी नहीं है लंबी चौड़ी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा चीज़ लिखना है और उस छोटी सी शीट में ब्रीफली आपने इंस्टाग्राम टीम को समझाना है। इसके बाद आपको ऊपर में सबमिट का ऑप्शन मिलता है तो आपने बेसिकली इसे सबमिट कर देना है, लेकिन कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना यहाँ पर, ठीक है, आपने इसे सबमिट कर देना है, कुछ इस तरीके से आपने सबमिट करना है, बस ये दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं गाइस जो कि आप कर सकते हो।
सेक्सुअल और न्यूडिटी कंटेंट की वजह से पॉलिसी की वजह से आपका कोई वीडियो या पोस्ट डिलीट होता है और आपके अकाउंट पर स्ट्राइक आती है, तो ये सिर्फ दो तीन चीज़ें ही आप कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ सकता है, ये स्ट्राइक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।